हुए देख रहा हूं, इसलिए निश्चित जानो कि पार्वती का विवाह शिव से ही होगा। वर्तमान में शिव और शक्ति लौकिक तथा मानवीय लीलाएं इस जगत के समक्ष एक विशेष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए रच रही हैं। हमें इन मानवीय लीलाओं को औचित्य व तर्क संगत रूप से प्रमाणित करने के लिए अपना योगदान करना होगा। योगदान के लिए तो भोले शंकर के पास जाना ही होगा। अवश्य जाना होगा। कामदेव भी तो इसी उद्देश्य को लेकर गए थे, किंतु शिव के कोप का भाजन बनना पड़ा था। अंतर है, कामदेव के कार्य व उद्देश्य व आपके उद्देश्य सर्वथा भिन्न है। कामदेव शिव के मन में काम और अनुराग को उत्तेजित करने गया था, जबकि आप उनके पास अनुरोध व निवेदन लेकर जाएंगे। दुर्भावना पूर्ण होते हुए भी कामदेव की चेष्टा अनाधिकृत थी। मेरे परामर्श के अनुसार आप सद्भावनापूर्ण चेष्टा करेंगे, दोनों में यही अंतर है। ब्रह्मदेव, आपके परामर्श को आदेश व आज्ञा मानकर हम शिवलोक अवश्य जाएंगे, किंतु शिवजी ने यदि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर दी तो यह आपके सम्मान में अनुचित होगा। ये समय मेरे मान सम्मान पर विचार करने का नहीं, देवताओं की रक्षा करने का है। तारकासुर का जब तक संहार नहीं हो जाता, इंद्र तथा अन्य देवतागण असुरक्षित हैं। तारकासुर का वध शिवपुत्र ही कर सकेगा, अतः शिवपुत्र की उपस्थिति के लिए शिव विवाह भी आवश्यक है। शिव विवाह के लिए शंकर जी की स्वीकृति आवश्यक है। उस स्वीकृति के लिए ही मैं आप सबको शिव जी के पास भेजना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव, हम अवश्य जाएंगे। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। आशा है वे मान जाएंगे। उनके मान जाने में ही देवताओं का कल्याण है। अच्छा, अब मैं विदा लूंगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। अब स्वर्ग लोक जाकर देखना होगा कि अहंकारी तारकासुर के अत्याचारों ने अप्सराओं की क्या दशा की है। तुम मुझे देखो, इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मैं तुम्हारा नृत्य देखूं, इसके लिए बुलाया है। चलो नृत्य करो। नहीं, हम तुम्हारे लिए नृत्य नहीं करेंगे। राक्षसों के सम्मुख नृत्य करना हमारी परंपरा नहीं है। हम केवल देवराज इंद्र के सामने नृत्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या कहा, नृत्य नहीं करोगी? नहीं। ऐसा दुस्साहस तो तुम्हारा स्वामी इंद्र भी नहीं कर सकता। तुमने कैसे किया? ये दुस्साहस नहीं, साहस है। दुस्साहस तो तुमने किया है, देवराज इंद्र के सिंहासन का हरण करके। ले जाओ इन दुष्टाओं को, जो हमारी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, और बांध दो इनको अग्निकुंड के चारों ओर, जिसके ताप से इनका सौंदर्य इनका यौवन झलस जाए। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। स्वर्ग विजेता महाबली तारकासुर की जय। ओ, देवताओं को पकड़कर लाए हो, पुरस्कार पाने योग्य कार्य किया है। देख लिया, पहले तुम पकड़ी गई, फिर एक एक करके देवता पकड़े जा रहे हैं। एक दिन तुम्हारा राजा इंद्र भी मेरी पकड़ में आएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा मारा जाएगा, फिर सारा नाटक समाप्त। कहां से पकड़ा इन्हें? आकाश मार्ग से, भागते छुपते हमें तंग कर रहे थे। हमने भी दूर तक इनका पीछा किया तो सुना आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हमने इन्हें घेरा, कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए। भाग गए? यदि भविष्य में हमने सुना
के भाग गए तो समझ लो तुम्हारे भाग्य गए, फूट गए। तो ये दुष्ट देवतागण मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, समाप्त कर देता हूं इन्हें, आके इनके साथ इनके षड्यंत्र भी समाप्त हो जाए। तारकासुर, ब्रह्मा जी मेरे वरदाता, सृष्टि सृजन करता ब्रह्म देवाय नमो नमः, अपने वर देवता को अपने स्वर्ग में देखकर अति प्रसन्नता हुई। यह तुम्हारा स्वर्ग नहीं है तारकासुर, यहां तुमने बलपूर्वक अधिकार कर रखा है, इसलिए तुम्हें किसी को पीड़ित अथवा दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। परमपिता ब्रह्मा जी की जय, देवराज इंद्र की जय। वर देवता मेरे स्वर्ग में किस प्रयोजन से पधारे हैं? पुनः तुमने इसे अपना स्वर्ग कहा, जबकि ये स्वर्ग देवताओं का है। इस समय मैं यहाँ का अधिपति हूँ, इंद्र में शक्ति होती तो वो यहाँ का अधिपति होता, परंतु मैंने उसे पराजित किया है। यही तुमने अनुचित किया है तारकासुर। इसमें अनुचित क्या है? जिसके पास शक्ति होती है उसके पास अधिकार होता है। शक्ति द्वारा अधिकार प्राप्त करने के इस कार्य के सिद्धांत के कारण ही जगत में अन्याय, हाहाकार, अनीति, हिंसा तथा अत्याचार होते हैं। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिससे जगत में शांति, प्रेम और न्याय की स्थापना होती है? जिसके पास योग्यता एवं मानवीय भावनाएं हों, उसी के पास ही अधिकार होंगे, तभी इस जगत में शांति, प्रेम, नीति तथा न्याय की स्थापना होगी। ऐसा है नहीं और होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम जैसे तामसिक प्रवृत्ति के प्राणी भोग, अन्याय, अनीति, स्वार्थ और अधिकार लोलुपता के अंधकार में परहित और जनहित की सोच ही नहीं सकते। किंतु भविष्य में शांति नहीं होगी ऐसा नहीं है। शांति होगी ही, इसका विश्वास किस आधार पर है आपको ब्रह्मदेव? मानवीय एवं दिव्य प्रवृत्ति व भावनाओं के आधार पर। किंतु तुम जैसे प्राणी परिणाम की चिंता न करके ही अन्याय व अत्याचार करते हैं। किंतु ऐसा समय भी आएगा जब प्रकृति के सत्य को स्वीकार कर लिया जाएगा। अच्छा, तो प्रकृति का भी कोई सत्य है तो हमें बताएं मेरे वरदाता, क्या है वो सत्य? ज्ञानी, तत्वदर्शी और दूरदर्शी तो इस सत्य को जानते और मानते हैं, अब तुम भी इसको सुन लो। अवश्य सुनाइए। प्रकृति मानवता और सात्विकता के विरुद्ध जो हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा पापकर्म करता है, उसके अंत में दुर्दशा होती है और भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यही है वो सरल सत्य जिसे जानकर व मानकर दूरदर्शी जन अपकर्म से बचकर भयंकर परिणामों से बचते हैं। भविष्य में इसी सत्य को अपनाकर जगत के प्राणी शांति स्थापित कर सकेंगे। ब्रह्मदेव, आप भी स्वप्न देखते हैं? दिवा स्वप्न, दिन के स्वप्न। तुम्हारी दुर्बुद्धि के उपरांत भी मैं तुम्हें परामर्श दूंगा कि तुम इस स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी लोक चले जाओ। पृथ्वी के प्राणी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में आने के लिए लालायित रहते हैं और आप मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। पृथ्वी के प्राणी उस स्वर्ग लोक में आने को लालायित रहते हैं जहाँ के अधिपति देवराज इंद्र हैं, किंतु जहाँ तुम विराजमान हो उस नरक पे आना कौन चाहेगा तारकासुर? बस ब्रह्मदेव, बस, बहुत हुआ, इससे अधिक नहीं। आप मेरे वरदाता हैं, इसलिए मैंने आपके मधुर प्रवचन सुन लिए, अन्यथा बस इतना ही कि मैं स्वर्गलोक
कदापि नहीं त्यागूंगा। इसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। परिणाम की चिंता करता तो स्वर्ग लोक कैसे पहुंचता? जिस वरदान और अधिकार से तुम्हारी निश्चिंता और अहंकार ने जन्म लिया है, उस वरदान की समाप्ति समीप है तारकासुर। तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित होना पड़ेगा। यह सब अप्सराएं और देवगण इस स्वर्ग लोक में पुनः स्थापित होंगे। नहीं, भाग गए, सभी भाग गए। दानवराज तारकासुर को चुनौती, महाबली तारकासुर को चुनौती, स्वर्ग विजेता तारकासुर को चुनौती। नहीं, अरे ओ दोस्त, तेरी चुनौती का उत्तर देगा शिवपुत्र। शुभम स्वागतम। ब्रह्मदेव ने हमारे अंतर मन की प्रेरणा से प्रेरित होकर आप सबको हमारे पास आने का अनुरोध किया है। भोलेनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपकी लीला अगम्य है। मैं मानता हूं कि पार्वती के प्रति अनुराग एवं करुणा के कारण आपने ब्रह्मा जी को प्रेरित करके हमें बुलाया। मैं आपकी इस अनुकंपा और अनुग्रह के लिए कृतज्ञ हूँ। महर्षि वशिष्ठ, आपको भ्रम हुआ है। हमने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर आपको यहाँ नहीं बुलाया है। सत्य तो यह है कि उससे असंतुष्ट होकर आपको यहाँ बुलाया है। क्या असंतुष्ट होकर भोलेनाथ? हाँ, सत्य तो यह है कि हमने एकांत समाधि निमित्त इस स्थान का चयन किया था, किंतु पार्वती यहाँ आकर हमारी समाधि में बाधक सिद्ध होने लगी। अब ऐसी स्थिति में उसे कौन समझाए? इस कार्य के लिए आप सबसे अधिक उपयुक्त अन्य कौन हो सकता है? यह विचार कर हमने ब्रह्मदेव को प्रेरित किया। अब आपको प्रेरित करते हैं कि जाकर पार्वती को समझाएं कि वो तपस्या करके निरर्थक प्रयत्न न करे, उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसका हित इसी में है कि वो राजमहल लौट जाए और योग्य वर का वरण कर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। उसे तपस्या से विचलित करने के लिए यदि उसके सम्मुख आप सबको हमारी निंदा भी करनी पड़े तो अवश्य करें, हम इसकी अनुमति देते हैं। बस किसी भी प्रकार उसे तप का त्याग करने पर विवश करें। पर्वतराज की पुत्री पार्वती, जागो। मुनिराज की पुत्री गिरिजा, जागो। हिमालय राज की लांडी उमा, जागो। जागो पार्वती, जागो। पुत्री पार्वती, मैं अरुंधति और सप्तऋषिगण तुमसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। मेरी तपस्या में बाधा डालने का कारण क्या आप नहीं जानते कि तप में बाधा डालने से अब तक किया गया तप निरर्थक हो जाता है? मेरी तपस्या में बाधा डालकर उसे निरर्थक करने का अधिकार आपको किसने दिया? हम सब तुम्हारे हित में तुमसे कुछ कहने आए हैं।
हमारी बात सुनकर तुम्हारा हित ही होगा। अपना हित अहित मैं भली भांति जानती हूँ। आप तनिक कृपा कर यहाँ से जाएं और मुझे तप करने दें। हम तो यहाँ से चले ही जाएंगे, किंतु तुम्हें स्पष्ट करना हम आवश्यक समझते हैं कि जिस शमशान वासी और भभूतधारी को तुम प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही हो, वो तुमसे प्रसन्न कभी नहीं होंगे। इससे आपको क्या कष्ट होगा? कष्ट हमें नहीं, कष्ट तुम्हें ही होगा, जिसके गले में, बाहों में, अगल बगल में सर्पों का वास हो, वहाँ तुम्हें कष्ट नहीं तो क्या सुख प्राप्त होगा? जिसे गले, बाहों और अगल बगल में सर्प होते हुए भी कोई कष्ट नहीं है, उसके साथ जीवन व्यतीत करने में मुझे कष्ट क्यों होगा? अवश्य होगा। शिव तो भांग धतूरा पीकर सर्प के विष को झेल लेते हैं, क्या तुम भी ऐसा कर सकोगी? तनिक विचार करो, कहां तुम कोमल तन और मन वाली राजकुमारी राजमहल के राजसी ठाट बाट में पली हुई, और कहां वो भूतनाथ अशुभ वेशधारी अघोरी। बस बस, अब शिव निंदा नहीं सुन पाऊंगी। आप सभी यहां से चले जाइए, अन्यथा मैं चली जाऊंगी। अब मैं कठोर से कठोर और उग्र से उग्र तप करूंगी। शंकित हो रहा है। मैं देखती हूँ। पार्वती, पार्वती, ओई माँ, क्या हुआ? ये बोल नहीं रही है। ओम नमः शिवाय का मंत्र इसके स्वर में मुझे सुनाई दे रहा है। जया, हमें चलकर महाराज और महारानी को सूचित कर देना चाहिए। मेरी बच्ची, मेरी पुत्री पार्वती, उसे कुछ हो गया ना तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं रानी, नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। इतना कठोर तप करने वाली कन्या को यदि कुछ हुआ तो स्वयं विधाता को लज्जित होना पड़ेगा। धैर्य रखो प्रिय, हमारी पुत्री पार्वती का निश्चय दृढ़ है, और दृढ़ निश्चय वालों की सफलता निश्चय ही होती है। मुझे ढाढ़स बंधा रहे हैं, पर मेरा मन नहीं मानता। मैं माँ हूं ना, आप माँ के मन की क्या जाने। मेरी बच्ची मुरझाने लगी है, मैं अपनी फूल सी बच्ची को मुरझाते हुए नहीं देख सकती। मैं तुरंत वहां जाती हूँ और उसे वापस ले आती हूँ। नहीं रानी, तुम्हें शपथ है एक पग भी आगे नहीं बढ़ाना।
पार्वती की शिव आराधना में बाधा डालने का पाप नहीं करना मैना, पाप नहीं करना रानी। माँ आप रो क्यों रही है? माँ पुत्री के वियोग में माँ का मन है ना, ऐसा होता है, परंतुता सब मंगलमय ही होगा। आओ। पार्वती दिखाई नहीं दे रहा। अरे अरे जाल को कहो कि दिखाई दे। क्या हुआ महाबली को? लगता है महाबली का बल समाप्त हो गया है। नहीं, मेरा बल समाप्त नहीं हो सकता। कोई है? कोई नहीं है। कौन था और कौन नहीं है? वरदान का फल था, अब वो समाप्त हुआ। नहीं, मेरा बल समाप्त नहीं हो सकता। और तुम कौन हो? वही जिसने तुम्हें वरदान दिया था। मेरे वरदान का बल अब समाप्त हो गया, कारण कि तेरे तप और पुण्य का प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब तेरा हित इसी में है तारकासुर, कि तू स्वर्ग त्याग दे। तारकासुर, तुझे अंतिम चेतावनी दी जाती है कि स्वर्ग से चला जा स्वर्ग से। जाओ, सब लोग यहां से जाओ, ये स्वर्ग लोग छोड़ दो। मैं भी जाता हूं, तुम भी जाओ, अपने राज्य में चले जाओ। जाओ, पार्वती के कठोर तप से उत्पन्न तेज के प्रभाव से असुराधिपति तारकासुर को अपने राक्षसों सहित स्वर्ग से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के दिव्य प्रभाव से स्वर्गलोक में दिव्य शांति व अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ। पर देवराज और देवगण इस सुखद घटना से अभी तक अनभिज्ञ थे। मेरे विचार से यह स्थान पूर्णतया सुरक्षित है, यहां पर तारकासुर के राक्षस कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ देवराज, यहां दूर दूर तक कोई राक्षस नहीं है। राक्षस तो नहीं, किंतु वो देखो वहां हिमगिरी शिखर पर। नमः शिवाय। हिमालय पुत्री पार्वती उग्र तपस्या में लीन है। है तो, पर देवराज हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि सप्त ऋषि और देवी अरुंधति पार्वती के पास गए थे और उनसे इस कठोर तप को त्यागने का अनुरोध भी किया था, परंतु पार्वती ने तो उनका अनुरोध स्वीकार ही नहीं किया। उनका तप तो और भी कठोर होता जा रहा है, विधाता ही जाने इसका क्या प्रभाव होगा। मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि ये जो कुछ भी घटित हो रहा है ये हमारे पक्ष में होगा अथवा विपक्ष में। अर्थात? अर्थात क्या वरुण देव? विविधा की स्थिति है ये, विविधा की स्थिति। यदि पार्वती का तप सफल नहीं हुआ और शिव ने उनका वरण नहीं किया तो शिव पुत्र कहां से होगा, और यदि शिव पुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर वध की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात हमारे कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे।
कुछ नहीं कहा जा सकता। तारण की स्थिति अपने वश में तो है ही नहीं। यदि पार्वती का तप इसी प्रकार दिनों दिन उग्रतर होता गया तो इस सृष्टि में प्रलय का उत्पन्न होना निश्चित है। पर ऐसा भी तो संभव है कि पार्वती का तप सफल हो जाए और शिव विवाह हो, शिव पुत्र हो और तारकासुर मारा जाए। संभावनाओं और अनुमान के सहारे हमारे कष्ट दूर नहीं हो सकते हैं, कदापि नहीं हो सकते हैं। न जाने क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश इस विषय पर मौन साधे हुए हैं। पार्वती के उस कृतप की ओर जान क्यों नहीं दे रहे हैं वो। हम भी यही सोच रहे हैं। तारकासुर स्वर्ग में बैठा हुआ अत्याचार और दुराचार की बेल सींच रहा है और त्रिदेव शांति से अपने अपने लोक में बैठे हैं। हाँ देवराज, अब वो पृथ्वी पर अत्याचार न करके हम देवताओं और अप्सराओं को पीड़ित करने पर उतर आया है। क्या भविष्य है हमारा। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि आप यहाँ। देवराज, नारद के लिए समय और स्थान कभी निश्चित नहीं होते, किंतु आप सभी मुझे देखकर आश्चर्यचकित क्यों हैं? सत्य तो यह है कि आप सभी को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। आप क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? पहले आप प्रकट कीजिए कि आप चिंतित क्यों हैं? तीनों लोग इस बात को जानते हैं कि तारकासुर हमारे स्वर्ग पर अधिकार किए बैठा है। आपको अप्रिय तो लगेगा देवराज, किंतु अपनी स्पष्टवादिता की कुटेव से मैं स्वयं भी विवश और पीड़ित हूँ। ऐसी क्या बात है मुनिवर? ऐसी ही बात है देवराज, ऐसी ही बात है। कुकर्म करने वाला सदा ही दुर्बल होता है और दुर्बल सदा ही भयभीत, और भयभीत होता है चिंतित, और आप भी चिंतित है देवराज। देवर्षि, सत्य अप्रिय होता है देवराज, किंतु उसे स्वीकार कर लिया जाए तो फल बड़े ही मीठे और मधुर देता है। नारायण नारायण। इस अप्रिय सत्य के आगे कोई प्रिय सत्य भी तो होगा देवर्षि। अवश्य है सूर्य देव, अवश्य है। चिंता में चिंतन तो छूट ही जाता है। नारायण नारायण। जैसे आप सब यहाँ चिंताग्रस्त हैं और वहां चिंता का कारण कब से समाप्त हो चुका है। वो कैसे? हिमकन्या पार्वती के कठोर तप के पुण्य प्रभाव से वो दुष्ट अत्याचारी तारकासुर स्वर्ग से कब का पलायन कर चुका है। स्वर्ग का सिंहासन रिक्त पड़ा है। देवर्षि, इस शुभ संदेश और समाचार के लिए अनेकानेक धन्यवाद। देवराज, ये धन्यवाद प्राप्त करने के लिए तो मैं स्वर्गलोक भी पहुंच सकता हूँ, किंतु इस समय आप शीघ्र अति शीघ्र वहां पहुंचिए। नारायण नारायण। शजनहार ब्रह्मा जी की जय। श्री हरि विष्णु की जय। देवादी देव भोलेनाथ की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। बधाई हो देवराज इंद्र, बधाई हो। आपके पुनः सिंहासन आरूढ़ होने पर बहुत बहुत बधाई हो। स्वर्ग आप ही के लिए और आप स्वर्ग के लिए बने हैं। सदा स्वर्गाधिपति रहो। कल्याण हो, कल्याण। मुनिवर, इस हो चुके कल्याण में संपूर्ण योगदान देवी पार्वती का है। उन्हीं के जप तप पुण्य और प्रताप से हमें ये आज शुभ दिन देखने का सौभाग्य मिला है। सत्य कहा आपने, हम सभी देवी पार्वती के आभारी तो हैं ही, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वर्ग की पुनः प्राप्ति में परमपिता ब्रह्मा जी का भी योगदान है। महातपस्विनी देवी पार्वती की जय हो। परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। नारायण 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 नारायण। परमपिता ब्रह्मा और माता सरस्वती को पृथ्वी के वटवृक्ष निवास के पश्चात पुनः ब्रह्मलोक में एक साथ देकर आंखें धन्य हो गई।
शब्दों का मायाजाल मत फैलाओ नारद, अपने आने का प्रयोजन प्रकट करो। नारायण नारायण, मेरे आने का प्रयोजन स्पष्ट है परमपिता। सप्त ऋषियों और देवी अरुंधति ने देवी पार्वती के सम्मुख भगवान शिव की घोर निंदा की, उन्हें अपमानजनक शब्द कहे, फिर भी देवी पार्वती अपने तप से विरक्त नहीं हुई। क्यों, इसका क्या कारण है परमपिता? यदि देवी पार्वती का तप उग्र से उग्रतर हो गया तो नारद, तो नाम के इस प्रश्न ने जन्म अवश्य लिया है, किंतु इसका उत्तर अभी जन्मा नहीं है और न ही भविष्य में इसके जन्मने की कोई संभावना है। तुम अपनी समस्या के समाधान के लिए इतना समझ लो कि शिव और शक्ति की लीला स्वयं ब्रह्मा नहीं समझ सके हैं, तो उनका मानस पुत्र नारद भला कैसे समझ सकता है। नारद, तुम्हें न तो भ्रमित होना चाहिए न भयभीत। समय से पूर्व तो प्रलय भी नहीं आएगा, इसलिए पार्वती का तप उग्र तप सफल होकर अशुभ नहीं शुभ परिणाम लाएगा। परमपिता, इस तप और लीला की अंतिम सीमा क्या है? नारद, पार्वती का यह लौकिक तप शक्ति की अलौकिक सीमा से संबद्ध है। अर्थात शिव इस समय पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं और ऐसी परीक्षाएं एक सूत्र तक की सीमा पर ही समाप्त होती है। अर्थात जब शिव पार्वती का विवाह निर्विघ्न में संपन्न हो जाएगा तभी स्थिति सामान्य होगी। नारायण नारायण, परमपिता लगता है स्थिति मात्र सामान्य ही नहीं सर्वमान्य हो गई है। देवराज इंद्र अपने सभी देवगण सहित स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर गीत संगीत नृत्य और हर्षोल्लास में मग्न हो चुके हैं। ये असामान्य स्थिति है नारद, अभी तो इन देवताओं की परीक्षा भी शेष है। आश्चर्य है, इतनी कठोर स्थिति से निकलकर आए देवताओं को क्या अभी और परीक्षा देनी होगी? माता, कितने समय पश्चात वे सुख की सीमा में आए हैं, क्या सुख की अवधि इतनी सीमित होती है? सुख स्वयं के साथ और सुविधा की सामग्री बन जाए तो उसकी अवधि सीमित होती है। उस सुख का पल्लू भी दुख की मुट्ठी में कसा हुआ होता है। हाँ, यदि उस सुख की दिशा जन कल्याण की ओर उन्मुख हो जाए तो उसकी अवधि बढ़ जाती है। माता, क्या ये भी शिव शक्ति की लीला के कारण होता है? शिव शक्ति की लीला कहो अथवा प्रकृति का नियम, किंतु होता ऐसा ही है। समय आने पर देवताओं को भी इस सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सब ऋषि और देवी अरुंधति भी लौट आया। सब लौटे तो हैं देवेश्वर, किंतु असफल होकर। हमने देवी पार्वती के सम्मुख आपकी भरपूर निंदा की, किंतु उन पर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ। आपकी निंदा उनसे नहीं सुनी गई। हमारे मुख से आपकी निंदा सुनकर उनकी भाव भंगिमा कठोर हो गई भोलेनाथ। हम उनके मन में आपके प्रति विकर्षण उत्पन्न नहीं कर सके, उल्टे आपकी निंदा करके उनके मन में हमारे प्रति विकर्षण उत्पन्न हो गया है। सत्य तो ये है भोलेश्वर कि उन्हें हमारी बताई हुई बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ।
वे तप करना नहीं त्यागेंगी देवेश्वर। वे अपने उद्देश्य पर अटल और अचल हैं। उनका विचलित होना सर्वथा असंभव है। हमें दुख है कि आपकी निंदा का पाप हमने जिस प्रयोजन से किया वो पूर्ण न हुआ। आपकी निंदा के दोष से हमें आत्मग्लानी का कष्ट भोगना पड़ रहा है भोलेनाथ। चिंता न करें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, मेरी निंदा का कार्य तो मेरे द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम था। सत्य तो यह है कि आपने मेरी निंदा नहीं की, उसे करने का नाटक मात्र किया। हम सबकी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है भोलेश्वर, कि आप देवी पार्वती के तप का प्रतिफल उन्हें देते हुए उनकी साधना को सफलता की स्वीकृति प्रदान करें। हाँ देवेश्वर, सफलता की स्वीकृति से देवी अरुंधति का अभिप्राय विवाह की स्वीकृति से है। यदि देवी अरुंधति और आप सभी सप्तऋषियों का यही आग्रह और निर्णय है तो मैं इसे सहज स्वीकार करता हूं। मैं स्वयं देवी पार्वती के पास जाकर उन्हें इस निर्णय से सूचित करूंगा। आप देवी पार्वती को सूचित कर उन्हें हर्षित कर देंगे, किंतु उनके माता पिता बहुत समय से तप में निमग्न अपनी पुत्री के लिए चिंतित हैं। उनकी चिंता दूर करने का उपाय भी आपको ही करना है प्रभु। ये कार्य और दायित्व मैं आप सभी को सौंपता हूँ। हमारी ओर से आप सभी हिमालय राज और मैना रानी के समक्ष जाकर पार्वती से हमारे संबंध की चर्चा करें। अब तो हमारा देवी पार्वती के पास जाना सार्थक हो गया प्रभु। हाँ भोलेनाथ, हम उनसे भेंट करने इसी समय प्रस्थान करेंगे। ओम नमः शिवाय। कब मिलेगी शिव की स्वीकृति और कब समाप्त होगा पार्वती का तप? तब तक क्या मैं पुत्री वियोग में ऐसी तड़पती रहूंगी? नहीं, सर्वथा नहीं। क्या प्रयोजन है पुत्री के लिए ऐसी तपस्या का कि उसकी माता को पीड़ा पहुंचाती है? ऐसा भी क्या हट जो माता के लिए संकट का कारण बन जाए? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तेरे तप के कारण तेरी माता कितनी व्यथित है? अनेक बार बताया महारानी, बार बार उद्बोधन करने पर भी वो हट त्यागने को तैयार नहीं है। महारानी तैयार नहीं है? तो वो अपना हट नहीं त्यागेगी। मेरी पुत्री अपना हट नहीं त्यागेगी, पर मैं तो उसकी माता हूं ना। मेरा हट तो उसके हट से भी अधिक हटीला होगा। अब मैं भी अपने हट पर अडिग रहूंगी और पार्वती का विवाह शमशानवासी बैरागी शिव के साथ कदापि नहीं होने दूंगी। कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं होने दूंगी। होने देना अथवा ना होने देना, यदि प्राणी के वश में होता तो इस जगत का रूप ही विकृत हो जाता। होने देने अथवा ना होने देने की शक्ति प्रकृति और विधि ने स्वयं अपने हाथों में रखी है। स्वामी, मैंने केवल इतना कहा कि मैं महारानी मैना को किसी कारण से क्रोधित नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो धन्य भाग है मेरे। आप सभी के पावन व पुण्य चरणों से हिमालय भवन पवित्र हो गया। मेरा सादर विनीत प्रणाम स्वीकार करें ऋषिगण एवं देवी अरुंधति। कल्याण भव। पधारे ना, आसन ग्रहण करें। मेरा मन कहता है कि आप सभी पुण्य आत्माओं का हमारे यहाँ आगमन अवश्य ही किसी मंगलमय कारण एवं कार्यवश हुआ है। अवश्य, आपका अनुमान तो सत्य है। हिमालय राज, महारानी मैना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, उन्हें बुलवाइए ना। हाँ हाँ देवी, अवश्य। पर जब तक वे आए तब तक आप शुभ संदेश तो सुनाइए। आपकी उत्सुकता उचित है हिमालय राज,
किंतु आदर्श परंपरा यही है कि शुभ संदेश पति पत्नी दोनों को सुनाया जाता है, अकेले पति को नहीं। कितनी कल्याणकारी परंपराएं हैं हमारे यहाँ। स्वर्णा जी महाराज, अपनी स्वामिनी से कहो कि देवी अरुंधति एवं अन्य सप्तऋषिगण आए हैं, आकर उनके दर्शन लाभ ग्रहण करें। जी हमारे राज, आपके श्रीमुख पर जो मुस्कान है उसके पीछे हमें चिंता की रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप विषयों का अनुमान सत्य है, हम दोनों ही चिंतित हैं। चिंता का कारण? हमारी पुत्री पार्वती। वो तो तपस्या में लीन है, चिंता का कारण वो कैसे हो सकती है? यही तो हम दोनों की चिंता का विषय है। हमने पार्वती को बहुत समझाया किंतु वो अपने हट पर अडिग है, तप त्यागने को तैयार ही नहीं होती। आप क्यों चाहते हैं कि वो तप त्याग दे? तप तो जीवन के मार्ग को सरल, सुलभ व सुखी बनाता है, उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। पर यदि पार्वती की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न न हुए तो परिणाम क्या होगा? तप का परिणाम क्या नहीं, शुभ होता है हमारे राज। तो क्या हमारी पार्वती का तप सफल हो गया? हाँ, भोलेनाथ की कृपा होगी तो उनकी तपस्या सफल ही समझिए। देवी अरुंधति और पूज्य ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। महारानी मैना, हम सभी कैलाश से भगवान सदाशिव और आपकी पुत्री कुमारी पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, आप अपना विचार कहिए। इस विषय में मेरा कुछ कहना क्या उचित होगा? मेरा विचार तो आप सुविधा अनुसार विचार करें। यदि आप चाहें तो कुमारी पार्वती से इस विषय पर चर्चा कर लें। यदि आपने शिव पार्वती के विवाह को स्वीकार कर लिया तो समझ लीजिए कि शिवजी ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी होता है वो शिवजी की इच्छा अनुसार होता है और शिवजी की इच्छा सदा कल्याणकारी होती है। अब हम प्रस्थान करेंगे। कल्याण भव। कहो मेरा रानी, अब कहो अपने मन के विचार जो उनकी उपस्थिति में नहीं कह सकी। स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं इस विषय में क्या कहूंगी। जानता था मैं नारानी, किंतु देवी अरुंधति व सप्त ऋषियों द्वारा भगवान शिव शंकर के विवाह के प्रस्ताव के पश्चात तुम्हारे विचारों में कुछ तो परिवर्तन आया होगा। कैसा परिवर्तन? कहां का परिवर्तन और क्यों होगा परिवर्तन? स्वामी, मैं इस बात को मानती हूँ, पर आप इस सत्य को नहीं जानती कि पार्वती शिव शंकर के साथ कभी सुखी नहीं रह सकती। मैना रानी, बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें हम मानते अवश्य हैं, पर वे सत्य नहीं होती, और बहुत से सत्य ऐसे हैं जिन्हें हम न जानते हैं न ही मानते हैं। स्वामी, आपकी ये ज्ञान पूर्ण और गुढ़ बातें मेरी बुद्धि से परे हैं। मैं तो केवल इतना जानती और मानती हूँ कि एक राजकुमारी का एक भभूतधारी से विवाह कभी सुखकारी नहीं हो सकता। कहाँ महल में पलने वाली पार्वती और कहाँ शमशान में भ्रमण करने वाला। महारानी, देवऋषि नारद की भविष्यवाणी को आप नकार नहीं सकती। उन्होंने कहा था कि पार्वती का विवाह भगवान शिव शंकर के साथ ही होगा, और रही सुख की बात तो जग में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री के भाग्य लेख में केवल सुख का लेखा नहीं लिख सकता। स्वामी, सुख का लेख तो नहीं लिख सकते, पर उसके सुखी जीवन के लिए अपने आशीर्वाद और मंगल कामनाओं से इच्छा और प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। उतना तो हम कर ही रहे हैं मैना रानी, और करेंगे भी। देवऋषि नारद की भविष्यवाणी, देवी अरुंधति और सप्त ऋषियों का आगमन इस विवाह की पुष्टि में समर्थन करते हैं।
है ना रानी? उचित यही होगा कि हम दोनों भगवान शिव शंकर के पास चलकर उनका आभार मानते हुए इस विवाह को स्वीकार करें। चलो देवी आओ चलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पधारे हिमालय राज, पधारे महारानी। नंदी महाराज, भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हुए हैं। इसमें आश्चर्य क्या है हिमालय राज? आश्चर्य तो तब होता है जब भोलेनाथ समाधि में नहीं होते। तो आश्चर्य की ऐसी स्थिति कब आएगी नंदी महाराज? ऐसी स्थिति आने का ज्ञान किसी को भी नहीं होता। कुछ तो संभावना होगी। नहीं नहीं, भोलेनाथ की समाधि कब टूटेगी इस विषय में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आप स्वयं प्रयत्न करके देखिए। शिव शंकर, मेरी पुत्री को सुबुद्धि दे, उसका मार्गदर्शन करें भोलेनाथ, उसे समझाएं, उसकी समाधि का अंत करें देवेश्वर। शिवजी से पुत्री पार्वती को मार्गदर्शन देने और उसकी समाधि का अंत करने की प्रार्थना तो कर गई, परंतु समाधिस्थ शिवजी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि पार्वती अपनी तपस्या कदापि नहीं छोड़ेगी। पार्वती की तपस्या से समस्त दानव जाति अत्यंत भयभीत थी, क्योंकि पार्वती की तपस्या की सफलता तारकासुर के साथ साथ उनके विनाश का भी कारण बनेगी। तारकासुर का भयभीत सेनापति इस प्रसंग को लेकर शोणितपुर उसके समक्ष पहुंचता है। दानवराज महाबली तारकासुर की जय। कैसे होगी जय? ब्रह्मा ने हमें स्वर्ग से निकलने का आदेश दिया, तप्ती ज्वालाओं से डरकर हमने स्वर्ग छोड़ दिया। अब जब तक पुनः हम स्वर्ग प्राप्त कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इस घोरी और व्यर्थ की जय से क्या लाभ? स्वर्ग का सपना तो अब समाप्त हो गया दानवराज। क्यों हमारी निराशा को बढ़ा रहे हो सेनापति? जो देखा और जो सुना है वही कह रहा हूँ स्वामी। हिमालय पुत्री पार्वती की तपस्या इतनी उग्र हो चुकी है कि भोलेनाथ शिव उनसे प्रसन्न होकर उनसे विवाह की स्वीकृति कभी भी दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। यदि शिव पार्वती विवाह हुआ तो मेरा काल शिव पुत्र उत्पन्न हो सकता है। मैं शिव पार्वती मिलन नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तुम जाओ, पार्वती को तपस्थली से उठाकर उसे समाप्त कर दो। क्या हुआ सेनापति? तुम्हारे चेहरे पर ये भय कैसा? प्राण क्यों सूख गए तुम्हारे? सुना है पार्वती शक्ति का अवतार है। सुना है, सुना है सेनापति, तुम केवल सुनते ही रहते हो, देखते कुछ नहीं हो। देखने वालों के मुख से ही सुना है कि यदि हमने पार्वती के साथ अप्रिय व्यवहार किया तो हमारी संपूर्ण जाति का विनाश हो जाएगा। ये भी तुमने सुना है, देखा नहीं? सेनापति, मूर्खता की सीमा से बाहर निकलकर आंखें खोल कर देखो कि जो पार्वती शिव को प्रसन्न नहीं कर पाई उसे पाने के लिए तपस्या किए जा रही है।
उसमें भला इतनी शक्ति और बल कहां कि वो हम असुरों को समाप्त कर सके। तुम अपनी सेना के शक्तिशाली और भयानक असुरों को लेकर जाओ और उसे समाप्त कर दो। जाओ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाबली, किंतु आप एक बार पुनर्विचार कर लें। यह सत्य है कि पार्वती शक्ति का अवतार है। उनके तप के बल और ज्वाला के कारण ही स्वर्ग से हमें यहाँ भाग के आना पड़ा था। यदि फिर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो यहाँ से भागकर हम कहाँ जाएंगे? उनके प्रति किया गया अपकर्म हमारे लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। सेनापति, तुम कायर हो गए हो। तुम्हारी भुजाओं में अब वो शक्ति नहीं रही। जाओ, नपुंसकों के दल में चले जाओ। ऐसे कटु शब्द कह के मेरा अपमान न कीजिए महाबली। कायर और नपुंसक कहने से तो अच्छा है मैं पार्वती के क्रोध का भाजन बन के समाप्त हो जाऊं। उचित विचार तो यही है, किंतु ऐसा होगा नहीं। तुम अपने पराक्रमी सैनिकों को लेकर जाओ और समाप्त कर दो पार्वती को। न रहेगी पार्वती और न उत्पन्न होगा शिव पुत्र। क्या नहीं पार्वती, आओ इसका वध कर डालें। तारकासुर की जय। अनर्थ अनर्थ हो गया महाबली, अनर्थ हो गया। नागासुर, तेरा सुर बिगड़ा हुआ क्यों है रे? जरा शांति से, प्यार से बता क्या बात है। दैत्यराज, आपने पार्वती के विनाश के लिए सेनापति और सैनिक भेजे थे। हाँ भेजे थे, तो अब वे वापस नहीं आएंगे। क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि पार्वती की तप की ज्वाला ने सबको सहा कर दिया, सबके सब मारे गए। अरे दुष्ट, अशुभ समाचार सुरताल में सुना रहा है। त्रिलोक विजय अब आवश्यक हो गई है। त्रिलोक विजय की ये यात्रा हम स्वर्ग लोक से शुरू करेंगे। पहले स्वर्ग लोक, फिर अन्य लोक। शिव पार्वती के विवाह की संभावनाएं इसी विजय यात्रा में समाप्त हो जाएंगी। फिर कौन बचेगा हमारा विरोधी? कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा हमारा विरोधी। स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के पश्चात असुरों के शत्रु देवराज इंद्र अपना मूल उद्देश्य भूलकर सदा की भांति नृत्य और संगीत में मग्न हो गए। छन के खन 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 बिना खन के छन 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 पायल छन के खन 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 बिना खन के पायल छन के खन बिना खन को पायल छन के खन बिना खन के गीत सुनाए नव यौवन
स्वामी, वो देखिए देवर्षि आकर लौटे जा रहे हैं। देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि अभी अभी आए और अभी चल दिए। इंद्र सभा में आपका स्वागत है, आइए पधारिए। देवराज इंद्र को बधाई देने आया था, परंतु देवराज इंद्र स्वयं नृत्य और गान के विलास में डूबे हुए हैं। नारायण नारायण, आइए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवराज, विलास और शक्ति की शत्रुता है, दोनों का निर्वाह एक ही स्थान पर संभव नहीं होता। देवर्षि, देवर्षि, कहीं आपका तात्पर्य ये तो नहीं है कि यदि आप इस नृत्य का आनंद लेंगे तो इस विलास के कारण आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और आप आशीर्वाद देने योग्य नहीं रहेंगे? प्रत्येक प्राणी पर चरितार्थ होने वाला सत्य यही है देवराज, कि विलास से शक्ति क्षीण हो जाती है, और जिसकी शक्ति क्षीण हो जाती है वो आशीर्वाद तो क्या, स्वयं के लिए मंगल कामना करने के भी योग्य नहीं रहता। नारायण नारायण, अद्भुत सत्य है, जग व्यापक सत्य है ये, शाश्वत सत्य है ये। देवराज, इस सत्य का प्रयोग स्वयं पर कर देखें। वो कैसे देवर्षि? अतीत के छोर से भविष्य के छोर तक विचार गमन द्वारा। देवराज, अतीत में विलास प्रियता के कारण आपकी शक्ति क्षीण हुई तो असुरों ने आप पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उस स्थिति में आप वन वन भटकते रहे, कभी परमपिता ब्रह्मा तो कभी श्री हरि विष्णु तो कभी भोलेनाथ के सम्मुख जाकर आर्तनाद करते रहे कि आपको तारकासुर से रक्षण प्राप्त हो। देवी पार्वती की कृपा और शक्ति से परमपिता ब्रह्मा जी ने तारकासुर को स्वर्ग से भगा तो दिया, परंतु वर्तमान में आप ये सत्य भूल रहे हैं कि तारकासुर मरा नहीं जीवित है। आपकी विलास प्रियता उसे अधिक जीवित और अधिक बलवान बनाएगी और तब वो पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करेगा, आपको पराजित कर विजय प्राप्त करेगा और भविष्य में पुनः स्वर्ग का अधिपति बन बैठेगा। नहीं देवर्षि, नहीं, आप तो हमारे हितैषी हैं, फिर ऐसी अशुभ कामना क्यों कर रहे हैं? ये अशुभ कामना नहीं है देवराज, मैंने आपकी सावधानी के लिए सत्य को साकार करने का मात्र प्रयास किया है। ये आप भी करें तो आपको लाभ होगा। नारायण नारायण। मैं कैसे करूं? दूरदर्शिता का आंचल पकड़ लेंगे तो कर सकेंगे। चलो आरंभ मैं किए देता हूं, आगे की दौड़ आप स्वयं लगा लेना। नारायण नारायण। सर्वप्रथम आप ये स्वीकार कर लें कि आप पुनः स्वर्ग के अधिपति बन गए हैं। हम ही क्या, सारा जग जानता है। नारायण नारायण। देवराज, सारा जगत ये भी जानता है कि तारकासुर जीवित है और स्वर्ग का स्वामी बनने की महत्वाकांक्षा उसे स्वर्ग की दिशा दिखाएगी। देवराज, आप और मैं ये भी जानते हैं कि तारकासुर का वध करने वाला अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ और तब तक असुरराज तारकासुर किसी भी समय। नहीं देवर्षि, नहीं, अब बस करें। बस तो देवराज इंद्र को करना है देवी सची, ये भली भांति जानते हैं कि तारकासुर का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। अब हम और कष्ट नहीं सहन कर सकते देवर्षि, स्वर्ग से बाहर हमने बहुत यातनाएं सही हैं, इसीलिए अब तो तारकासुर का वध अवश्य होगा। देवराज इंद्र से पहले पूछ तो ले कि कब और कैसे होगा। नारायण नारायण। होगा तो शिव पुत्र के द्वारा ही, किंतु शिव पार्वती विवाह होगा तभी शिव पुत्र की उत्पत्ति होगी। शिव पार्वती विवाह कब होगा अग्निदेव? जब भगवान शिव विवाह की